माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस साल यह व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह कथा पिशाच योनि और भगवान इंद्र के श्राप से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा नई नई जानकारी नए नए उपाय आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगी। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल ना करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, आशा करता हूँ कि इस कथा से आपको कुछ शिक्षा एवं सीख जरूर मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा नई नई जानकारी नए नए उपाय आप तक आसानी से पहुंचते रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।